नमस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जिंदगी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हार्दिक पांड्या इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम वाला माहौल है हार्दिक पांड्या के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है और उस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या एक हीरो की तरह उभर कर आए थे। खासतौर पर जो फाइनल मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें हार्दिक पांड्या ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और क्लासेन और मिलर के जो विकेट लिए थे हार्दिक पांड्या ने, उन दो विकेटों की बदौलत टीम इंडिया इस मैच को जीत पाई थी। क्योंकि एक तरफ एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को गंवा देगी, लेकिन पहले हेनरी क्लासेन को आउट किया हार्दिक पांड्या ने और उसके बाद आखिरी ओवर में जो मिलर को आउट किया, किलर मिलर जिसको कहा जाता था, मिलर को आउट किया और जीत को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया था। और उसके बाद हिंदुस्तान में एक हीरो की तरह स्वागत हुआ था हार्दिक पांड्या का। अभी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका के जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहे हैं उसमें भी हार्दिक पांड्या को स्टेज पर बुलाकर सम्मान किया था मुकेश अंबानी एंड फैमिली ने। तो एक तरफ ये तो रही खुशी वाली बात, क्योंकि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही थी। 6 पारियों में 151 की औसत से हार्दिक पांड्या ने 144 रन बल्ले से अपने बनाए थे और 8 पारियों में 11 विकेट भी लिए। तो एक ऑलराउंड पावर पैक परफॉर्मेंस देखने को मिली थी हार्दिक पांड्या की इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन ये तो रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि उनकी क्रिकेटिंग लाइफ, लेकिन पर्सनल लाइफ जहां मैं गम वाली बात कर रहा हूं, पर्सनल लाइफ हार्दिक पांड्या की बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। पिछले कुछ महीने से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हार्दिक और नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस तरह की चर्चाएं थी और ये चीजें पब्लिक भी होने लगी थी तब जब हार्दिक की पत्नी नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी शादी की तस्वीरें, हार्दिक के साथ जो तस्वीरें थी उनको विड्रॉ कर लिया था, उनको हटा दिया था नताशा ने। फिर इस चीज ने जोर पकड़ा, इस बात ने जोर पकड़ा कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर हिंदुस्तान आई तो ज्यादातर जो क्रिकेटर्स थे उनकी पत्नियों ने वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट करते हुए तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई थी और अपने अपने पतियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी थी, इस जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया था। लेकिन हार्दिक की पत्नी नताशा का कोई भी ऐसा पोस्ट सामने नहीं आया था जिसमें वो हार्दिक को कॉन्ग्रेचुलेट करती हुई दिखी। फिर और जोर पकड़ा इस बात ने कि वाकई में इन दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा है। अब अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की मानूं तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके की सामने आ रही हैं जिसमें यह कहा गया है कि इस कपल के यानी कि हार्दिक और नताशा के एक क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वाकई में हार्दिक और नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और हो सकता है कि ये कपल हार्दिक और नताशा तलाक ले लें, बहुत जल्दी अलग हो जाएं। उन्होंने ये बताया है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हार्दिक और नताशा के जो क्लोज फ्रेंड हैं उन्होंने ये कहा कि अभी किसी भी तरह के पैचअप की हार्दिक और नताशा के बीच कोई संभावना नहीं दिख रही है और दोनों पैचअप चाहते भी नहीं हैं। ये भी दावा उनके फ्रेंड की तरफ से किया गया। हालांकि वो ये भी उन्होंने कहा कि देखिए कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, कल किसका वक्त बदल जाए, क्या पता चीज़ें सुलझ जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल अभी कोई भी नज़र नहीं आती कि हार्दिक और नताशा एक साथ वापस आ जाएं। इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा था पिछले कुछ महीनों में जब हार्दिक की पत्नी नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारी फोटोज को हटा लिया था। उसके बाद जब हार्दिक जीत कर आए वर्ल्ड कप विनिंग टीम, जब उन्होंने देखा था कि दिल्ली में स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनसे मिलने भी गए थे प्रधानमंत्री मोदी से पूरी टीम, फिर उसके बाद मुंबई में तो क्या ग्रैंड वेलकम हुआ था, वो सारी जो पिक्स थी, सारी तस्वीरें जो थी वो सब क्रिकेटर्स की पत्नियों की ओर से शेयर की गई थी, लेकिन नताशा वहां भी पीछे रह गई, वहां भी किसी तरह से कोई कंग्रेचुलेट उन्होंने हार्दिक पांड्या को नहीं किया था। और अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य का जन्मदिन मनाया और उस जन्मदिन में भी हार्दिक और अगस्त्य ही थे, उस दिन भी नताशा साथ में नहीं थी, क्योंकि जो तस्वीरें हार्दिक ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी उसमें सिर्फ हार्दिक और उनके बेटे अगस्त्य नजर आ रहे थे। और ये वो कपल है जिन्होंने एक बार नहीं दो बार शादी की है। एक बार साल 2020 में हार्दिक और नताशा ने शादी की थी और उसके बाद साल 2023 में एक ग्रैंड वेडिंग दोनों ने की थी और बहुत जबरदस्त तरीके से उसको सोशल मीडिया और मीडिया हाइप भी मिला था नताशा और हार्दिक की इस शादी को। एक अच्छे कपल दोनों माने जाते थे नताशा और हार्दिक, लेकिन पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसी आशंका उनके क्लोज फ्रेंड्स भी अब जाहिर कर रहे हैं कि पैचअप की अब कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों के बीच पैचअप हो और जिस प्यार से दोनों पहले साथ रहते थे उसी प्यार से साथ रहें और एक बार फिर से वापस साथ में रहें और जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह की बातें उठ रही हैं कि दोनों अलग होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह की न्यूज़ मिल रही है, जो उनके क्लोज
हैं हार्दिक और नताशा के, वो चीज़ों को कन्फर्म कर रहे हैं, वो चीज़ों को बता रहे हैं, उससे लगता है कि हार्दिक और नताशा के बीच पैचअप की संभावना अभी बिल्कुल ना के बराबर है।